हाय दोस्तों, हम जैसे कि आप लोग को बोले थे कि हर एक चीज़ डिसमेंटलिंग और उसका फिटिंग्स मैं धीरे धीरे आप लोग को दिखाऊंगा। आज आप लोगों को लेके चलते हैं हम लोगों को 200 dpH मेट्सो कासिंग प्लांट का कोन लगा हुआ है GP11F मॉडल, उसको आज कोन के मेंटल कैसे खोला जाता है, कैसे फिटिंग होता है, कैसे चेकिंग होता है, सारे चीज़ आप लोगों को आज डिटेल्स में मैं दिखाऊंगा। चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं फील्ड में, जहाँ पे हम लोगों को कौन का सर खोल रहा है और उसको आज कौन के मेंटल और अंदर का थ्रस्ट बेयरिंग से लेके ग्रीस सील से लेके डास्ट सील से लेके कैसे चेकिंग होता है, कैसे खोलता है लगाते हैं, आज सारे चीज़ आप लोगों को डिटेल्स में दिखाता हूँ। चेक नट खोल रहा है, मेंटल चेंज होगा, और इधर में लगेगा कॉनकेव, तो लाइनर चेंज होगा कॉनकेव इधर और यहाँ मेंटल। अभी चेक नट खोला जा रहा है, टॉर्च रिंग काट दिया गया है। पुराना मेंटल खोल दिया गया है, अभी न्यू फिट होगा। देखिए दोस्तों, पुराना मेंटल खोल दिया गया है, अभी इसको सफाई चल रहा है, इसके ऊपर अभी नया मेंटल और चेकना टॉर्चरिंग फिट होगा। आप लोग देखते रहिए, हम सारी चीज आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो जो पुराना टॉर्चरिंग है उसको काटिंग कर दिया गया, तो लगाना टाइम में होल्डिंग हो जाता है, तो अभी काटिंग करके इसे निकल रहा है चेकनाट से टॉर्चरिंग। ये देखिए नया टॉर्चरिंग आ गया है। न्यू कॉनकेव मेंटल आ चुका है फिट करने के लिए। देखिए न्यू मेंटल, साथ में चेकनेट और टॉर्चरिंग भी लोग उठा लिया है एक साथ। यह है प्लानिंग, हाँ बहुत खूबसूरती से ये लोग आज कौन पे मेंटल सारे चीज डिसमिलिंग करके चेंज कर रहे हैं बहुत खूबसूरती से। अभी देखिए धीरे धीरे न्यू मेंटल आपका सेफ्ट का नज़दीक आ गया है, अब धीरे धीरे डाल रहे हैं कौन का ऊपर मेंटल फिट हो रहा है। यह है मेट्सो का GP11F मॉडल का, हमारा मेट्सो का इंजीनियर चेक कर रहा है सही से बढ़ रहा है कि सेंटर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि नया जो मेंटल है सेफ्ट पे थोड़ा टच हो जाएगा तो चोट पहुंच जाएगा, थ्रेड है उसमें चेक नट लगाने का। बहुत खूबसूरती से हमारा हाइड्रा हमारा टेक्नीशियन काम करते हुए देखिए कितना सुंदर मेंटल सेंटर होके नीचे चला गया, और आप लोग देख रहे हैं टॉर्चरिंग, देखिए चेकनट का नीचे टॉर्चरिंग है, टॉर्चरिंग का ऊपर में चेकनट टाइट करेगा ये लोग, तो मेंटल का काम कंप्लीट हो जाएगा। चेकनट टाइट हो रहा है,
अभी हाथ से जितना जा रहा है उसके बाद हैमरिंग करके इसको पूरा टॉर्चनी को दबाते हुए टाइट हो जाएगा। अब देखिए अभी भी लूज है, अभी हैमरिंग चालू करेगा, दोनों हम्पर दोनों आदमी दोनों टाइट दिख से इसको टाइटिंग काम करेगा। अभी हाथ से टाइट हो रहा है, देखिए दोनों आदमी ने हैमरिंग करके चेकनट को टाइट कर रहा है। अभी दोस्तों देखिए मेंटल लगने का फिट होने के बाद अभी इसको उठा रहा है, ओपन कर रहा है ताकि नीचे जो थ्रस्ट पेडिंग है और बूस्ट जो है उसको चेक करने के लिए। देखिए उठा रहा है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत डस्ट अंदर गया है, ऑयल का अंदर में डस्ट चला गया है, डस्ट चला गया। देखिए ये चेक करने के लिए, देखिए डस्ट चला गया है। देखिए आर्म लाइनर तीन जगह में है, आर्म लाइनर ओके है।